नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि YouTube वर्सेस TikTok का एक बहुत बड़ा ड्रामा YouTube पे चल रहा है। तो इसके कारण सारे रोस्टर्स ने अलग अलग वीडियो बनाया, लेकिन उसमें से जो वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था कैरी मिनाटी का वीडियो। मेरे ख्याल से लगभग 60 से 70 मिलियन के आसपास उसका व्यू था। लेकिन पिछले दिन ही कैरी मिनाटी का ये जो वीडियो ये डिलीट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया था। तो इसलिए मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर पर्सनल अकाउंट पे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि कैसे हम इस ऐप को इंडिया से बैन कर सकते। वैसे देखिए, मैं इस वीडियो में इस ऐप का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तो इसलिए मैं बस ये ऐप यही चीज कहूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके कैसे इस पर्टिकुलर ऐप को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा रिपोर्ट होता है तो गूगल प्ले स्टोर से ये जो ऐप ये हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो इस काम के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद वो पर्टिकुलर ऐप उसे सिलेक्ट करना है। देखिए, ये जो पहला वाला यही है वो ऐप। इधर जाने के बाद आप कोने में देख सकते हैं ये छोटा सा तीन डॉट है। इस डॉट पर जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे लिखा आएगा फ्लैग एज इनएप्रोप्रिएट। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका बहुत सारे ऑप्शन आएगा। आपको इसमें से ये जो पहला ऑप्शन, बस इसे सिलेक्ट करना है, करके इसे सबमिट करके देना है। और वैसे मैं जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप गूगल पे देख ही सकते, दुनिया के जितने भी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसेस सभी के सभी इस ऐप के खिलाफ एक ही न्यूज़ निकला है कि इसमें चाइल्ड पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपका डेटा ये पूरा का पूरा लीक कर देता है। इसलिए अगर आप इस ऐप को इनअप्रोप्रिएट रिपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये छोटा सा वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।